नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत सा लीफ पैटर्न लाई हूँ। इसमें दो पत्तियाँ एक साथ चलेंगी, तो ये खूबसूरत लीफ पैटर्न है। इसके पहले आपने इसे कभी भी YouTube पे देखा नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा और थोड़ा सा ध्यान भी, क्योंकि अगर थोड़ा भी आपने वीडियो स्किप किया तो आप इसे नहीं बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन 27 फंदों पे बना हुआ है और मैंने 29 स्टिचेस डाल रखे हैं। साइड के दो फंदे वो एज स्टिच के लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो पहला फंदा सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, ये एज स्टिच है। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा। अब ऊन को अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन। फिर दो फंदे एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में हमने एक फंदा बढ़ाया था, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन दूसरी ओर। अब इस फंदे को हम सीधा करेंगे और अगला फंदा भी हम साथ ही ले लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमने दो फंदों का एक किया, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो और तीन फंदा सीधा। फिर उन अपनी ओर करेंगे और एक फंदा जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे। तो दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, अगले फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को भी एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब ऊन को दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और दो फंदा उल्टा, एक दो, और लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे, जाली को हम उल्टा बुन लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक और दो। अब ऊन को अपनी तरफ ही रखे रहेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। अब ये हमने जो जाली दिया है इसके दोनों तरफ हमें जाली देना है, तो जाली देते हुए सीधा। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले दो फंदे सीधे, एक दो। तो जाली देते हुए हमने दो फंदा सीधा बना लिया। नेक्स्ट दो फंदे हम एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, अगला फंदा ये उल्टा। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, अगले फंदे को सीधा करेंगे और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना देंगे, अगला फंदा सीधा। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, ये जाली वाला फंदा और ये, दोनों को एक साथ लिया और एक सीधा फंदा बना लिया उन अपनी ओर। अब ये फंदा जो है इसे हम उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अब दो फंदों को, इस फंदे को सीधा करेंगे और नेक्स्ट फंदे को भी हम साथ ले लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा सीधा। फिर नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और सामने की तरफ से एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने दो फंदे का एक किया, अगला फंदा उल्टा। उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को हम साथ ले लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने दो का एक किया, अगले दो फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और इस जाली के दोनों तरफ हमें जाली देना है, तो
जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। एक जाली पड़ गया, अब ऊन को दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और अगले दो फंदे जब हम उल्टा बुनेंगे तो ये हमारा जाली पड़ जाएगा। तो ये एक उल्टा, दो उल्टा और लास्ट फंदा या जो स्टिच है इसे हम सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा और जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा, एक दो, अब उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और तीन फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन। देखिए ये हमारी पत्ती बनना शुरू हो गई है, लीफ ये बनना शुरू हो गया है। अब उनको अपनी ओर करेंगे एक फंदा सीधा और यहाँ पे हमारी पत्ती जो है वो ख़त्म हो रही है, तो अब दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उनको अपनी ओर करेंगे अगला फंदा उल्टा, फिर उनको दूसरी ओर करेंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे, नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे अगला फंदा सीधा, फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में फिर पहले वाले फंदे में, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, उनको अपनी ओर करेंगे अगला फंदा उल्टा, उनको दूसरी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा करेंगे, अगले फंदे को साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा सीधा, अब उनको अपनी ओर करेंगे और तीन फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, यानी जाली देते हुए सीधा, एक दो और तीन, उनको दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और अगले दो फंदे हम उल्टा बनाएंगे, यानी कि ये हमारा जाली पड़ जाएगा, तो जाली देते हुए दो फंदे उल्टे और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बना लेंगे और रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बना लेंगे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा, एक दो, उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और पांच फंदा सीधा यानी जाली देते हुए सीधा, एक दो तीन चार और पांच। अब उनको अपनी ओर रखेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, अगले फंदे को सीधा करेंगे, दूसरे फंदे को साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, अगले फंदे को सीधा करेंगे, दूसरे फंदे को साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, अगले फंदे को सीधा करेंगे, नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे सीधे बनाएंगे यानी कि जाली देते हुए सीधा। अब उनको दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और दो फंदा उल्टा बनाएंगे यानी जाली देते हुए दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा और जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बना लेंगे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा, अब उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और सात फंदा सीधा बनाएंगे यानी जाली देते हुए सात फंदे सीधे। अब उनको अपनी तरफ करेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, दो का एक किया, स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। यहाँ पे हमने तीन का एक किया, यहाँ पे दो फंदे घट गए
और यहाँ पे हमारे दो जाले भी देखिए बन गया है, यानी दो फंदे बढ़ भी गए। तो फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, अगले दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और इन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सात फंदा सीधा बना लेंगे। उनको दूसरी तरफ रखे रहेंगे, अगले दो फंदे जाली देते हुए उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बना लेंगे। 11वां लाइन और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा। अब उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और 9 फंदा जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमें यहाँ जाली देना है इसलिए उनको अपनी तरफ करेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे, अब स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे गिरा देंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए 9 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उनको दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और अगले दो फंदे जाली देते हुए उल्टे और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे सीधा, और रॉन्ग साइड में हमेशा की तरह उल्टे दिखने वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे और सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो 12 लाइन का ये डिज़ाइन है और डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये देखिए दो पटल बन के तैयार हो गए हैं और फिर ये 12 लाइन रिपीट करने से ये घटना शुरू हो जाएगा और यहाँ से दो नए पटल बनने शुरू हो जाएंगे। तो रुकिए, मैं देखिए मैंने यहाँ इसे बनाया हुआ है, दो पेटल एक साथ चल रहे हैं और फिर ये देखिए घटना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही ये खूबसूरत से पेटल बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और फिर ये पेटल ख़त्म होंगे और साइड से दो नए पेटल बनना शुरू हो जाएंगे। तो इन्हीं 12 लाइनों को हमें दोहराते रहना होगा। देखिए इस डिज़ाइन को मैंने इसमें ऐसे सेट किया हुआ है, इसमें डिज़ाइन मैंने 29 स्टिचेस का बनाया हुआ है। साइड में यहाँ पे 3 उल्टे फंदे रखा है और बीच का फंदा सामने से स्लिप किया है और पीछे से उल्टा बुन लिया है। तो इस तरह ये डिज़ाइन 99 फंदों पे सेट हो गया है। तो आशा है आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। देखिए ये कितना खूबसूरत सा पैटर्न बन के तैयार हुआ है। आशा है आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। इन्हीं 12 लाइनों को आप दोहराते रहिए और ये खूबसूरत सा पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से देखिए ऐसा। फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।